सो अब कुछ कमरा गर्म हो रहा है। सो गाइस आपको मैं स्टार्ट में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जैस के मुतालिक है। पीटीआई पाकिस्तान पीटीआई ने जैस के ऊपर एक टैक्स लगा दिया है 30 मिलियन। ये बात है 2020 की 2020 की कि पीटीआई ने एक लिमिट दी थी सब नेटवर्क्स को जैस को खास तौर पे कि इस लिमिट के आए पाकिस्तान के एक स्टैंडर्ड बनाए, बट जैस ने उस पर अमल नहीं किया तो पीटीआई ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया था। वो अप्रूव्ड हो चुका है टैक्स 3 करोड़ का। सो अब जैस को वो पे करना पड़ेगा। आप बताएं कि सही किया पीटीआई ने? नहीं, मैं अपने अगर साइड पे बताऊं तो सही किया है, क्योंकि एक पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आप मतलब ये भी है, अगर एक कमरे में जाएंगे तो सिग्नल आ रहे हैं, दूसरे कमरे में सिग्नल नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रही है, ये बहुत बड़ा इशू है खासतौर पर जैस के नेटवर्क का। एक ये और भी काफ़ी सारे जो टैक्सीज हैं वो पेंडिंग है जैस के, सो वो भी कैसे अप्रूव्ड होंगे तो ये जैस को पे करना पड़ेगा। सो चलें कंटिन्यू करते हैं अपनी इस वीडियो को, लेट्स गो। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। टुडे कुछ मैंने इम्पोर्टेंट काम करना है जिसकी वजह से मैं बहुत थक चुका हूँ, बस मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। अपना मैंने नंबर वो मैं आगे चल के बताता हूँ, अभी मैं फुल रेडी हो चुका हूँ तो मैं स्कूल से वापस आ जाऊँ, उसके बाद फिर वो इम्पोर्टेंट काम को कराएंगे और ठंडी सांस लेंगे। सो बिल आया हुआ था, सॉरी नीचे गिर गया, बिल आया हुआ था पिट सेल का, नेट का कज़न को दिया तो वो भर देगा, यहीं है नीचे। तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर मैं व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ये खाने वाले आए हुए हैं, ये क्या कहते हैं स्वीट्स हैं कुछ, ये लेस, ये लो ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ। बाबा लेके आए थे, मैंने ऐसे कहा आपके लिए, उसने पहले कह दिया है मेरे बाबा लेके आए हैं। सो चलते हैं स्कूल। सो गाइस मैं स्कूल से वापस आ चुका हूँ, सो जल्दी मैं चेंज करूँ, उसके बाद खाना खा के चलते हैं फिर, लेट्स गो। वेट, आपको हम ऐसे ही लगते हैं फ्री में, आप स्किप करके चले जाते हैं। आप सोचें हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, मैं सिर्फ आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए। मैं स्टडीज़ भी साथ साथ वर्क करता हूँ, अपना चैनल भी रन करता हूँ, और बाकी जो सोशल आम बंदे के वर्क होते हैं घर के काम वो भी करता हूँ। सोचें कितना बहुत हार्ड वर्क होता है यूट्यूब का चैनल रन करना, फिर आप स्किप कर देते हैं वीडियो, आप फुल वीडियो वॉच क्या करें, कंटिन्यू। सिम निकालने गया था मैं और शूट करना ही भूल गया। हुआ यूं कि मैं कैसे गया था सिम निकालने फ्रेंचाइज जैस की, वहाँ मुझे कोई ख्याल नहीं था कि भाई मैं आज व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कोई व्लॉग चल रहा है या मैं कोई एक यूट्यूबर हूँ, मैं सब कुछ भूल चुका था। सो मैं तो सिम निकलवाया। सो गाइस मैं आपको जो बता रहा ना, एक इम्पोर्टेंट काम था, वो असल में था ये कि मैंने अपना नंबर चेंज करना था, क्योंकि जो मेरा आप इस चैनल के अबाउट में जाएंगे ना तो वहाँ मैंने नंबर दिया हुआ है फॉर बिजनेस कॉन्टैक्ट। सो वहाँ कैसे कुछ बंदे तो बिजनेस के लिए भी करते हैं, बट ज़्यादातर जो हेलो हाय सर कैसे आप, सो तो मिक्सिंग हो जाती थी, मैं हर किसी को जवाब नहीं दे सकता था, तो वो फिर आगे कहते थे भाई ये उसको थोड़ी एटीट्यूड आ गया है, सो मतलब कई सारे हेटर जो होते हैं बातें करते हैं। बस मैंने इसी की वजह से नंबर चेंज किया, नंबर मिक्स हो जाते थे, इसलिए अभी है जो फैमिली कॉन्टैक्ट के लिए मैंने अलग नंबर ले लिया है, वो हो रहेगा ऑन और सिर्फ बिजनेस कॉन्टैक्ट के लिए। ओके हो गया। जो डिफरेंट मैसेज करते हैं सब व्हाट्सएप पे, सो मैं सबको जवाब तो नहीं दे सकता ना, इतना टाइम होता नहीं, लेकिन मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान ही हूँ, आपसे बल्कि ज़्यादा मुझे काम करना पड़ता है, यूट्यूब को हैंडल आउट करना पड़ता है, बाकी कैसे स्टडीज़ को साथ करना पड़ता है, स्टडीज़ को भी नहीं छोड़ना पीछे। बस यही रीज़न था कि किसी वजह से मैं नंबर चेंज कर रहा था। बस इस वीडियो को एंड करते हैं, तो बस इस व्लॉग में इतना ही, एक इन्फॉर्मेशन व्लॉग ही था आप सबके लिए, आपको एंटरटेन करने की फुल कोशिश करेंगे हम आने वाली वीडियोज़ में, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मे भी कोई न्यू वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपकी कोई काम की वीडियो हो। अल्लाह हाफिज़।